करने के लिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? सोनू। कहाँ से आई हैं? चकन नगर ब्लॉक से आई हैं। इस ये मेला क्यों लगाया है या इसकी महत्ता क्या है और यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आए? जी किसने बोला? ये बताइए मैम, इससे क्या बेनिफिट मिला है आप लोगों को, महिला शक्ति को? एक दो पॉइंट। ये जो आप कैमरामैन से गुजारिश करिए, प्रोडक्ट दिखाइए, ये जो बेच रहे हैं या फिर मैम ये आपने घर पे बनाए हैं और यहाँ सेलिंग के लिए आए हैं, यानी कि बेच रहे हैं आए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। सर हमने बात की, यहाँ के शाखा ब्लॉक से लोग आए हुए थे और उन्होंने बताया मुझे, आइए और भी लोगों से बात करते हैं, आइए और भी लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या दीदी ने बनाया है या घर में बनाया है, मार्केट से प्राप्त किया है। कौन है मैम आपका? आइए और भी लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या दीदी ने बनाया है या घर में बनाया है, मार्केट से प्राप्त किया है। नाम है आपका? जी मैम, ये बताइए जो आपने यहाँ कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, आप थोड़ा रख दिखाइए जो आप यहाँ दिखा रहे हैं, क्या आपने ये घर पे बनाए हैं? हाँ, ये चार मेरे स्वयं बनाए हैं। हाँ, क्या बताएंगे मैम इसमें क्या है? जी हाँ, ये क्या है मैम? अच्छा काम कर रही है। अच्छा एक बात और आपसे, ये बात बताइए मैम, इससे आपको क्या बेनिफिट मिला? इससे बेनिफिट फायदा हो रहा है। क्या फायदा मिला? बैठे रहते हैं, अभी जो कैंप लगा हुआ है, ये मेला लगाया गया है, इसी तरीके से आप हर जगह मेला लगते हैं, वहाँ ये सेलिंग करते हैं क्या? हाँ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्य कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार कार्य करते हैं, चलिए और भी देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट आगे लोगों ने बनाए हुए हैं। चलिए एक दीदी और है हमारे साथ, आइए देखते हैं कि इन दीदी ने क्या बनाया है, क्या सेलिंग कर रहे हैं इस सदर मेला में। मैम नमस्ते, क्या नाम है आपका? पता लगा है आशा देवी की शादी भी हो गई। मैम ये बताइए जो ये मेला लगा है सदर मेला, इसमें आपने भाभी से नहीं मिल पाया या मार्केट से खरीदे? नहीं, हमने खुद बनाए। ये जो कैमरामैन जो गुजारिश करेंगे, मसाले क्या है मैम? हल्दी है। अच्छा ये मसाले हैं और मिर्च है, बेसन है। हाँ ये बेसन है, ये हमारे घर से भैया ऐसा नहीं है। अच्छा तो मैम और यहाँ जो आप ये दिखा रहे हैं ये घर से बनाए हैं? चलिए आज हम आए थे विकास भवन में और हमने बात की महिलाओं से, जाना महिला शक्ति के बारे में और जो समूह चलाया जा रहा है इससे क्या मोटिवेट मिला है उनको। हमारे चैनल को देखते रहिए, मैं निशा कैमरा मैन। ये शरद मेले का आयोजन है किया गया है जिसमें NRLM के साथ नाबार्ड के तत्वावधान में इसका आयोजन है। विकास भवन में ये प्रदर्शनी कम सेल के काउंटर्स हैं जिसमें करीब 20-25 स्टॉल्स यहाँ लगी हुई हैं और इसमें आगे भी इस प्रकार के आयोजन पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसमें जो हमारे स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, हर बार जब इसको इस तरह का कोई आयोजन होता है तो उसमें दो चार चीज़ें मुझे नई देखने को मिलती हैं, इस बार भी मिली हैं। तो इन सभी महिलाओं को मैं बधाई भी देती हूँ और इनके उम्मीद भी करती हूँ कि ये लोग अपने जो स्पेक्ट्रम है, जो अपना जो कार्य का स्कोप है, उसको और बढ़ाएं और नई नई चीज़ों में शामिल। जनपद में कितने लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया? योजना ये जो कार्यक्रम है योजना का नहीं है, ये जो हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनके एग्जीबिशन और एक सेल का ये माध्यम है।
और इसमें करीब, जैसा मैंने बताया, 20 से 25 अभी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हैं, जितनी जगह है उसके हिसाब से। और इसमें उन महिलाओं को मौका दिया गया है कि अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करें। और उसका आर्थिक मदद तो हो जाती है, पर क्या मार्केटिंग के लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल सही, जो ये कार्यक्रम है, फिर वही बात है, ये उनको एक तो काउंटर लगा के वो बैठे हैं देखने के लिए भी, और कि कैसे क्या, जब कोई बाहर में जब जाती हूँ, 10 सवाल उनसे पूछते हैं, ये सवाल जो जो कस्टमर्स कभी आएंगे तो वो भी इसी तरह की चीज़ें पूछते हैं, क्या है इसमें, कैसे बनता है, क्या है, कितना शुद्ध है, कितना ये है। तो इसी प्रकार से उसी की ट्रेनिंग कम एक्चुअल जो सेल काउंटर की हैं, इस तरह के आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि ये लगातार होते रहते हैं, और ये सेल का ही एक एक ये प्लेटफॉर्म है। आप जिस भी से पूछेंगे, उनके पास कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई है, शासकीय जो हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं योजना से और योजना में, वो लोग इस बारे में उनको गाइड भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं, और उनकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो इसलिए ये उसी का एक माध्यम है कि बना तो घर में रहे हैं, सेल कैसे करना है और उसके लिए क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, कि कोई अगर कस्टमर्स कुछ पूछते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या उनको सामान्य जानकारी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और अपनी गतिविधि के बारे में होनी चाहिए।